उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर लटकी तलवार, गृह विभाग ने विजिलेंस को भेजा प्रस्ताव। 2015 में 339 दारोगा की हुई थी भर्ती, दारोगा भर्ती के मामले की जांच विजिलेंस अब करेगी। हालांकि ये ऐसी चौथी भर्ती जिसे लेकर विजिलेंस जांच की बात कही गई है। 2015 में 339 दारोगा की भर्ती हुई थी, गृह विभाग ने विजिलेंस जांच कराने की बात अब निकलकर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, दारोगा की हुई भर्ती मामले की विजिलेंस जांच होगी। 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर तलवार लटक चुकी है, गृह विभाग ने विजिलेंस को प्रस्ताव भेजा है। सुरेंद्र सिला हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, चौथी ऐसी भर्ती जिसे लेकर फिर सवाल। देखिए बिल्कुल, आज ये लगातार न्यूज से कहता है कि प्रदेश की कई भर्तियां विवादों में आ गई हैं और कई भर्तियों की जांच हो सकती है। एक बड़ी खबर यही है कि पुलिस मुख्यालय ने शासन को एक पत्र भेजा था जिसमें 2015 में जो दरोगाओं की भर्ती हुई थी, करीब 339 पदों पर भर्ती हुई थी, इसकी भी विजिलेंस जांच करा लेने का एक प्रस्ताव भेजा था। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि शासन ने ये प्रस्ताव मान लिया है लेकिन इसका अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। हो सकता है देर रात या कल इसका आदेश जारी हो जाए। फिर 2015 के जो डायरेक्ट दरोगा है, जो 339 पदों पर जो भर्ती हुई है, इसकी जांच विजिलेंस कर सकता है। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर जो लगातार विवाद चल रहे हैं उसमें ये बड़ी खबर है कि 2015 के जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है उसकी जांच विजिलेंस कर सकता है। क्योंकि पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव भेजने का मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार इसका भी दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है। और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि अगर किसी तरह का संदेह है तो जांच होनी चाहिए। हालांकि शासन के सूत्र बता रहे हैं कि जांच के आदेश हो गए हैं लेकिन ऑफिशियल ये देर रात या कल जारी किए जाएंगे। धन्यवाद सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। तो एक और भर्ती, कहा जा रहा है कि गृह विभाग ने विजिलेंस को प्रस्ताव भेज दिया है और विजिलेंस की जांच हो सकती है।